नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। बॉलीवुड में यूं तो कई स्टार्स हैं जिनका अपने दौर में एक रौला हुआ करता था। वो अशोक कुमार हो या दिलीप कुमार, देव आनंद हो या राजेश खन्ना, उस दौर में एक एक्टर ऐसा था जिसकी डायलॉग डिलीवरी के साथ उनकी अदाकारी के लोग दीवाने हुआ करते थे। उनकी रौबदार आवाज़ जहां पसंद आती थी, वहीं उनके अक्खड़ अंदाज के कारण बड़े से बड़े स्टार उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। ये अक्खड़ मिजाजी एक्टर कोई और नहीं बल्कि राजकुमार थे। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। एक दौर में उनकी फिल्में इतनी हिट हुई कि इंडस्ट्री का हर डायरेक्टर उनके साथ काम करना चाहता था। उनकी रौबदार आवाज़ फिल्म के हिट होने की गारंटी मानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म में उनकी दबी आवाज़ ने मेकर्स को मुश्किल में डाल दिया था? क्या है वो किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। राजकुमार ने ताउम्र अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। घर हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री, उन्होंने अपनी शर्तों के मुताबिक काम किया। एक्टिंग से ज़्यादा वो अपनी डायलॉग डिलीवरी और बड़बोलेपन के लिए जाने जाते थे। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे एक्टर थे जो फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद भी अपनी फीस को कभी कम नहीं करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, इसका खुलासा भी उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। उन्होंने कहा था, हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं, हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। राजकुमार के गुस्से का शिकार यूं तो कई एक्टर्स और फिल्म मेकर्स हुए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रौबदार आवाज़ के लिए मेकर्स ने उन्हें अपनी फिल्म में लिया था, फिल्म को शूट के बाद मेकर्स वो देखकर हैरान हो गए, क्योंकि उनकी आवाज़ में ना तो वो खनक थी और ना ही वो रौब। दरअसल ये किस्सा है साल 1995 में आई फिल्म जवाब का। ये वही समय था जब एक्टर को उनके गले के कैंसर के बारे में पता चल गया था। राजकुमार नहीं चाहते थे कि उनकी बीमारी के बारे में कोई जाने और उन्हें हमदर्दी दे, इसीलिए उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में डायरेक्टर अजय कश्यप को भी नहीं बताया। फिल्म में राजकुमार के साथ प्रेम चोपड़ा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार जैसे दिग्गजों के साथ उन्होंने काम किया। फिल्म पूरी हुई तो एडिटिंग और डबिंग का काम शुरू किया गया। फिल्म की एडिटिंग के दौरान डायरेक्टर ने देखा कि राज साहब की आवाज़ में वो पहले जैसा दम नहीं दिख रहा है। जब उन्होंने एक्टर से इस बारे में बात की तो एक्टर ने अपनी बीमारी के बारे में उन्हें बताया। हालांकि तब तक फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी। अब डायरेक्टर कर तो कुछ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने फिल्म को रिलीज करने के लिए एक तिगड़म लगाया। उन दिनों जॉनी लीवर मिमिक्री के लिए जाने जाते थे। अजय कश्यप ने जॉनी लीवर से राजकुमार की आवाज़ में सारे डायलॉग्स डब कराए। फिल्म रिलीज हुई, हालांकि कोई ये पहचान नहीं सका कि डायलॉग्स को किसने बोला है। फिल्म रिलीज हुई लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर सकी। फिल्म के गानों को लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये फिल्म राजकुमार के कैरियर की सुपर फ्लॉप फिल्म साबित हुई। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।